इतना तो सही है ना कि इस देश में मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम और सब आतंकवाद ये सब के अलावा भी बहुत सारी समस्या। बिहार में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुट है लोग और इन्हीं के नाम पर वोट मिलेगा। यानी कि 25 में चेहरा फिर नीतीश कुमार ही है, इसमें कुछ शक लगता है क्या? इसके अलावा और है कौन बिहार? नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल सामने आ चुका है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी राहत की खबर जरूर है। सत्ता में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में वापसी करती दिख रही है तो गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर से राहत की खबर है। इन सब के बीच अब राजनीति बिहार में भी तेज हो गई है। एग्जिट पोल पर जब जेडीयू के नेता गुलाम गौस से सवाल पूछा गया और बिहार राजनीति में इसके प्रभाव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने नीतीश कुमार की ना केवल तारीफ की बल्कि करीब करीब ये दिखाने की कोशिश की कि नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा हैं। यानी कि 2025 में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई दूसरा चेहरा नहीं है। लोकसभा के बाद कुछ स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है भाजपा को, आपका पर्सनल विचार क्या है? ये अब उनकी पार्टी की बात है, बैठ के विचार करेंगे लोग जो है क्या सही क्या गलत। इतना तो सही है ना कि इस देश में मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम और सब आतंकवाद ये सब के अलावा भी बहुत सारी समस्या। रोजी रोटी चाहिए, शिक्षा चाहिए, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण चाहिए, ये मुद्दा है देश का। अगर इन दोनों राज्यों के जो भी नतीजे आए इसका क्या बिहार में कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगले साल बिहार में भी चुनाव है? बिहार में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुट है लोग और इन्हीं के नाम पर वोट मिलेगा। यानी कि 25 में चेहरा फिर नीतीश कुमार ही होंगे, इसमें कुछ शक लगता है क्या? इसके अलावा और है कौन बिहार? ये बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र में भी जेडीयू अहम भूमिका में है और केंद्र सरकार में जेडीयू की भूमिका जो है वो एक तरह से किंग मेकर की। ऐसे में गुलाम गौस बयान दे रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के अलावा कोई चेहरा नहीं है और ये भी कह रहे हैं कि सरकार को अन्य कामों पर, मंदिर मस्जिद के अलावा अन्य कामों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जेडीयू की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर ये प्रेशर पॉलिटिक्स है जो कि राज्य दर राज्य जैसे विधानसभा चुनाव होंगे ये आगे बढ़ता चला जाएगा? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।